नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज है मासिक शिवरात्रि। गुरु जी ने इस मासिक शिवरात्रि को बहुत ही विशेष दिन बताया है, साथ में इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है और इन खास दिनों पर गुरु जी ने कहा है कि अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पर आज के दिन कुछ भी उपाय करते हैं तो इसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। दोस्तों, गुरु जी ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब दोस्तों? पूज्य गुरुजी के अनुसार इस पितृ पक्ष का सबसे विशेष दिन, जिसे हम लोग मासिक शिवरात्रि कहते हैं, वो आ चुका है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको इन तीन में से कोई भी एक उपाय कर लेना है। आप चाहे तो सात चने की दाल वाला उपाय कर लें, या फिर चावल के दाने वाला उपाय कर लें, और या फिर आप सफेद फूल वाला उपाय कर लें। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर इस पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि में आप इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं ने आपको घेर रखा है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मान सम्मान ऐश्वर्य इन सभी में कमी है, आपको लग रहा है कि आप कोई भी कार्य करते हैं लेकिन उसमें आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके लिए ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस पितृ पक्ष की मासिक शिवरात्रि का इतना अधिक विशेष महत्व है कि आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब ताड़कासुर ने महादेव की पूजा करना प्रारंभ किया था, महादेव की उपासना करना प्रारंभ किया था और उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए सारे उपाय कर लिए, सारे प्रयास कर लिए, बहुत सारी तपस्या की, साधना सब कुछ कर लिया, लेकिन महादेव उससे प्रसन्न होकर उसे कभी भी अपने दर्शन नहीं दिए। तो एक बार पितृपक्ष के दौरान जब वो अपनी पूजा प्रार्थना कर रहा था तो मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि में उसने सिर्फ एक सफेद रंग का पुष्प धोखे से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया था और उसका परिणाम ये हुआ कि महादेव स्वयं साक्षात प्रकट होकर तारकासुर की सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आपको इस मासिक शिवरात्रि में किसी भी शिवालय में जाकर एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित कर देना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में यह बात बताई थी कि इस पितृ पक्ष की मासिक शिवरात्रि में आपको किसी भी समय आप चाहे तो सुबह चले जाएं, आप चाहे तो शाम को चले जाएं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करिएगा और अपनी वो विशेष कामना महादेव से बोल दीजिएगा। आप जिसकी कामना के लिए ये सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, वो कामना को बोलते हुए यह पुष्प समर्पित कर दीजिएगा और फिर महादेव से प्रार्थना करने के बाद वापस अपने घर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में स्वयं देखेंगे क्या आप क्यों मनोकामना महादेव की कृपा से कितनी जल्दी परिपूर्ण हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह सफेद रंग का पुष्प केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए और आप किसी भी सफेद रंग के पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप जो भी अपनी रोज की पूजा करते हैं उसको करते रहिएगा, उसके अलावा आपको सिर्फ ये एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर हम मासिक शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर की चौखट पर एक दीपक जलाते हैं तो उसका भी हमें करोड़ों गुना मिलता है। कोशिश करना कि आप एक दीपक अवश्य लगाएं। दीपक आपको गोल बाती का लगाना है और सीधे हाथ की तरफ लगाना है, ये उपाय अवश्य करें। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए एक खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही है, लगातार असफल हो रहे हैं,
धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनका कोई काम नहीं बन रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस विशेष उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप सिर्फ तांबे का लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में जो जल रखा हुआ हो वहीं से आपको ये जल लेना है। फिर इसके साथ आपको लेना है 7 चने की दाल ले लीजिएगा। लेकिन चने की दाल आप जो भी लेंगे वो कोई खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंडी होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए, उसे तोड़ देना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। लेकिन अगर प्रदोष काल के समय आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप पूरे दिन में इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है ये प्रदोष काल का समय कहलाता है, और आप कोशिश करिएगा कि आप इसी समय ये उपाय कर लें। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं उन चने की दाल में इसे एक लोटे जल से थोड़ा सा जल डाल दीजिए, यानी इन 7 चने की दाल को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए। इसको गीला करने के बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर गए हैं उनको अपने हाथ में रखिए, और आप अपनी जिन्स भी मनोकामना के लिए या फिर आप जिसे भी अपने कार्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी समस्या को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, और फिर ये 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए, और फिर से महादेव से प्रार्थना करते हुए यह बेलपत्र भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद वही महादेव के सामने बैठकर आप 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार जितनी बार भी आप कर सकते हैं उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि जब भी हम महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो महादेव भी हमारी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। इसलिए आपको ये विशेष उपाय इस मासिक शिवरात्रि में जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय के बारे में, जो आपको इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन कर लेना है। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए मासिक शिवरात्रि या फिर अमावस्या की तिथि बहुत ही खास होने वाली है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक रोटी ले लेनी है। एक रोटी ले लीजिए और साथ ही साथ इस रोटी में आपको थोड़ा सा गुड़ रख देना है। एक या दो टुकड़े आप गुड़ के रख दीजिए। इसी के साथ आपको थोड़ा सा चावल रख देना है और फिर थोड़ा सा दूध इसी में रख देना है, दूध यानी मिल्क। अगर आप ये तीनों सामग्री नहीं रखते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर पर थोड़ी सी खीर बना लीजिए, क्योंकि खीर महादेव को बहुत ही प्रिय होती है और इस पितृपक्ष के दौरान हमें एक दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। अब ये खीर बनाने के बाद आपने जो एक रोटी ली है
उस रोटी के ऊपर आप ये खीर रख दीजिए और आपके घर के बाहर से जो भी गाय निकलती है वो किसी भी दिन निकले। इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन जब आपके घर के बाहर से गाय निकलती है तो उसको इस रोटी को खिला दीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा जल पीला दीजिए। रोटी खिलाने के बाद आप पानी पीला दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस पितृपक्ष की इन विशेष तिथियों में ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे पितरों को प्रसन्नता मिलती है। वे हमसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी वजह से हमारे जीवन में जो भी संकट कष्ट दुख परेशानी आ रही है वो सब समाप्त होकर हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। इसलिए आपको ये कार्य इन दोनों विशेष स्थितियों में से किसी भी एक दिन जरूर कर लेना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूजी गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ही लीजिएगा और इसमें जल आप अपनी किचन से ही लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। सिर्फ एक चावल का दाना लीजिएगा और ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प यानी एक सफेद रंग का फूल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुँच जाना है शिवालय। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं या फिर सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं उस चावल के दाने को आप इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाना है। फिर सबसे आखिर में आप जो सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं उस पुष्प को यानी उस फूल को आप अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है। देखिए अगर आप ये उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर व्यापार के लिए कर रहे हैं या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर विवाह के लिए कर रहे हैं या फिर आपके जीवन की कोई भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उसका स्मरण कर लीजिए और फिर ये फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव को निहारते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूछ गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष में पड़ने वाली ये मासिक शिवरात्रि की तिथि हमें साल में सिर्फ एक बार मिलती है और इस बार ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास है, इसलिए हमें ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। हमें इन विशेष उपायों में से कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।